नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन, मैं पटना बिहार से आया हूँ। मैंने ये 3 दिनों में यह सभी खिलौने मैंने ये सभी खिलौनों को बनाने में प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया है। कहीं ना कहीं हम अपने प्राकृतिक से दूर जा रहे हैं। इसे ये है मोर, मैंने इसे इडी का बांध के झाड़ से बनाया है। ये है तितली, तितली को बनाने के लिए मैंने ताड़ के पेड़ की बलोड़ी, खजूर के पत्ते की छाल आड़ी, कोकोनट सेल का उपयोग किया है। ये है साइकिल, जिसे मैंने आदमी को मैंने ताड़ के बलोड़ी से बनाया है और इसके चेहरे को अखरोट के छिलके से और ये पेड़ की सूखी टहनियों से बनाया है। ये चलता भी है और ये इस प्रकार इसका गड़बड़ नहीं होता। ये है गुड़िया, गुड़िया को भी मैंने इडीगा पाम के झाड़ से इसकी फ्रॉक को बनाया है और इसकी बॉडी को मैंने जड़ से बनाया है, पेड़ की जड़ों से, और इसके बालों को मैंने जूट से बनाया है। यह इस प्रकार घूमती है। बच्चे इसे इन खिलौनों से खेलकर आनंद बहुत आनंद उठा सकते हैं। और यह है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग को भी मैंने पेड़ की टहनियों से बनाया है, मोटे टहनी से इसकी बॉडी को बनाया है और पतले टहनी से पैर और सूखे पत्ते से मैंने इसकी पूंछ को बनाया है और इसके फेस को मैंने रेड की लकड़ी से बनाया है जो बहुत सॉफ्ट होता है। यह है वोंगा, जिसे हम स्नेल भी कहते हैं, इसे मैंने कोकोनट सेल से बनाया है और ये एक फॉक्सटेल पाम होता है, जिसे हम अपने स्थानीय भाषा में इसे अशोक का बीज कहते हैं और इसी अशोक के बीज से मैंने चूहा को भी बनाया है, जो यह चूहा इसे चला रहा है, इस प्रकार इसे खींच कर चला भी सकते हैं।